वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द शेप ऑफ वाटर। इसमें एक लड़की को एक जानवर से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी के शुरुआत में हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इलीजा है। इसके गले पे एक अजीब तरह का निशान है और यह गूंगी भी है, जिसकी वजह से बोल नहीं सकती। और वो अपने फ्रेंड गिल्स के पास पहुँचती है जो की उसका पड़ोसी भी है। वह एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में काम करती है। उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम जेल्डा है और उसकी वो बहुत क्लोज है, क्योंकि इलीजा को सिर्फ जेल्डा ही समझ सकती है। बाकी लोग गूंगी होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती है। जब वो लैब में काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम रॉबर्ट है। वो इन सब से कहता है आज एक अनोखी चीज आने वाली है जो कि आज तक नहीं आई इस लैब में। तभी वहाँ पे एक वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर एक क्रिएचर बंद है। यह वही अनोखी चीज है जिसके बारे में रॉबर्ट बात कर रहा था, जिसको एक कर्नल रिचर्ड नाम का आर्मी ऑफिसर लेकर आता है। उसके बाद लैब से इलीजा और जेल्डा को बाहर कर दिया जाता है। अगले सीन में रिचर्ड घायल हो जाता है, जिसको देखकर इलीजा और जेल्डा बहुत ज्यादा डर जाती है। जब वो दोनों खाना खा रही होती है तभी डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें लैब में आने को कहता है। जब वो लैब में पहुंचती है तो उनके चारों तरफ खून ही खून होता है। डॉक्टर रॉबर्ट उन दोनों को जल्दी से जल्दी रूम साफ करके कहकर चला जाता है। तभी इलीजा को सफाई करते समय कटी हुई दो उंगली मिलती है जो कि कर्नल रिचर्ड की होती है। उसे देखकर जेल्डा घबरा जाती है और डॉक्टर रॉबर्ट को बुलाने चली जाती है। तभी इलीजा वाटर टैंक में एक क्रिएचर को देखती है जो कि इंसान की ही तरह दिख रहा था, जिसको देखकर इलीजा काफी हैरान होती है। तभी वहाँ कोई आ रहा होता है, उसकी भनक से वो घबराकर अंदर चला जाता है। अगले दिन वो वापस उस लैब में जाती है और उस क्रिएचर को बुलाती है तो क्रिएचर फिर से पानी से निकलकर आता है। तो इलीजा देखती है कि वो जंजीरों से बंधा हुआ। इलीजा अपने साथ एक अंडा भी लेकर आई थी, वो उसे खाने को देती है। वो क्रिएचर उससे पहले डरता है पर वो उस अंडे को लेकर वापस पानी के अंदर चला जाता है। उसके बाद इलीजा उस लैब से बाहर आती है जहाँ जेल्डा उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रही थी। उसके बाद कर्नल रिचर्ड उन दोनों को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो रिचर्ड उन दोनों का मजाक उड़ाता है, फिर उन दोनों को समझाता है कि लैब में सफाई करने के बाद तुम दोनों चुपचाप वहां से निकल जाया करो। अगले सीन में इलीजा उस क्रिएचर के लिए काफी सारे अंडे लेकर आती है। उसके लिए इलीजा हर दिन ऐसा करती है जिसकी वजह से वो क्रिएचर उसका दोस्त बन जाता है। फिर हम लोग डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो कि रशियन स्पाई से मिल रहा होता है और वह खुद भी एक रशियन स्पाई है और लैब में जासूसी का काम करता है। और जब अगले दिन इलीजा लैब में पहुंचती है तो देखती है कि उस क्रिएचर को पानी से निकालकर बाहर बांध रखा है और काफी घायल है। तभी इलीजा को किसी के आने का एहसास होता है तो वो लैब में ही छिप जाती है और वो देखती है कि ये सब करने वाला और कोई नहीं कर्नल रिचर्ड है और वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। तभी वहाँ जनरल आते हैं, वो उस क्रिएचर को देखकर कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये उससे बड़ा है। रिचर्ड उन्हें कहता है कि अमेजोन के लोग इसे भगवान मानते हैं। जनरल उससे कहता है कि जिस तरह ये यहाँ पे बेबस पड़ा है कहीं से नहीं लगता कि ये भगवान है। पर डॉक्टर रॉबर्ट उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये आम जानवर नहीं है, ये पानी के अंदर भी सांस ले सकता है और पानी के बाहर भी सांस ले सकता है। लेकिन कर्नल रिचर्ड और जनरल कहते हैं अगर हमें इस जीव के बारे में पता करना है तो इसे मारकर इसके अंदर की सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टर रॉबर्ट इन लोगों से कहते हैं कि इसे पानी में डालना होगा नहीं तो ये मर जाएगा। वो क्रिएचर बहुत घायल होता है और अब बेहोश भी हो गया है। डॉक्टर रॉबर्ट बहुत दुखी होते हैं, वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो। हालांकि वो एक रशियन स्पाई है लेकिन वो दिल के बहुत दयालु होते हैं। यहाँ पर इलीजा सब कुछ देख और सुन रही होती है, उसे भी यह सब जानकर बहुत दुख होता है कि ये लोग उस क्रिएचर को मारना चाहते हैं। इसके बाद इलीजा अपने घर आ जाती है। वो गिल्स के पास जाती है और उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ बताती है। इसके बाद वो उसे बचाने के लिए गिल्स से मदद मांगती है पर गिल्स साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर अगले सीन में गिल्स इलीजा के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस चीज को बचाना चाहती है, और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उससे इलीजा बहुत ज्यादा खुश होती है।
और वो प्लान बनाते हैं कि अब उस क्रिएचर को उस लैब से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उस जीव को उस लैब में मार दिया जाएगा। एलिजा सबसे पहले जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उन्हें ऊपर की ओर कर देती है ताकि उन्हें कैमरों में कोई नहीं दिख सके, और जिस ट्रॉली में गंदे कपड़े ले जाती है उसमें वो टॉवल्स रख देती है और उस लैब में जाती है जहाँ वो क्रिएचर को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो जंजीरों में बंधा हुआ था। तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं। एलिजा उन्हें देखकर डर जाती है लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट चाहते हैं कि ये जीव जिंदा रहे और वो उसे जंजीरों को खोलने के लिए चाबी दे देते हैं। एलिजा उस चाबी से क्रिएचर को जंजीरों से छुड़ा लेती है। एलिजा उस जीव को ट्रॉली में डालकर टॉवल से छिपा देती है और टनल के रास्ते निकलने लगती है। जेल्डा को उसके ऊपर शक हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ कर रही है और वो ट्रॉली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर एलिजा उसे समझाती है कि अगर हमने इसे यहाँ छोड़ा तो ये लोग इसे मार देंगे। इसके बाद जेल्डा भी उसका साथ देती है और वो उसे बाहर ले जाने में उसकी मदद करती है। उधर गिल्स बाहर पहुँचते हैं पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है और आईडी मांगता है। गिल्स जब अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को उनके ऊपर शक हो जाता है क्योंकि ये फर्जी आईडी थी। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जिसको गिल्स की गाड़ी देखकर उसके ऊपर शक हो जाता है और उसे रोकने के लिए गार्ड को कॉल करता है, पर वो आईडी देख रहा होता है और कॉल नहीं उठाता। गार्ड समझ जाता है कि आईडी फेक है और उसे मारने की धमकी देने लगता है और गिल्स को बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी रोबोट का लगा हुआ रशियन बॉम्ब फट जाता है जिससे वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी रोबोट वहाँ आकर उस गार्ड को बेहोश होने का इंजेक्शन लगा देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह क्रिएचर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रिचर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। और अब एलिजा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और बाथटब में रख देती है क्योंकि वह क्रिएचर बहुत ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। तो एलिजा उसके पानी में डॉक्टर रॉबर्ट का दिया हुआ दवा और नमक मिला देती है जिसकी वजह से वो सांस लेने लगता है। एलिजा बहुत खुश होती है और उसे एक ग्रीटिंग कार्ड भी देती है और तय करती है कि 10 तारीख को यहाँ पे जो नदी है उसमें छोड़ देगी क्योंकि उस दिन बारिश होने की आशंका होती है और उस दिन नदी समंदर में मिल जाएगा जिससे वो अपनी जगह पे चला जाएगा। इसके बाद हमें लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर रिचर्ड को वो बम मिल जाता है जिससे लाइट को खराब किया गया था क्योंकि वो एक रशियन डिवाइस था और क्रिएचर को चुराने के लिए गिल्स ने फेक आईडी यूज की थी, इसलिए उसे लगता है कि रशियन लोगों ने यहाँ पे अटैक किया था। अब अगले दिन एलिजा अपने काम पे जाती है क्योंकि अगर वो काम पर नहीं गई तो सबको शक हो जाएगा कि एलिजा ने ही उस क्रिएचर को चुराया है। इसके बाद रिचर्ड उन दोनों को पूछताछ के लिए ऑफिस में बुलाता है और जेल्डा से पूछताछ करता है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें अजीब लगा हो, पर वो दोनों साफ साफ इनकार कर देती हैं। वहीं घर पर गिल्स उस क्रिएचर के पास बैठकर उसकी स्केच बना रहे होते हैं लेकिन तभी उन्हें नींद आ जाती है और वो क्रिएचर अपने बाथटब से बाहर निकलता है। वहाँ पे मिस्टर गिल्स की एक बिल्ली होती है और वो उसे मार देता है और जब मिस्टर गिल्स देखते हैं कि वो उनकी बिल्ली को खा रहा है तो उसे मना करते हैं, पर वो क्रिएचर उनसे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए उसके नाखूनों से गिल्स के हाथों पर चोट लग जाती है। गिल्स एलिजा को कॉल करके घर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो डर गया था, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। एलिजा उसे ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि वो थिएटर में मूवी देख रहा है। एलिजा उसे घर वापस ले आती है। घर आने के बाद उस जीव को अपनी गलती पर अफसोस होता है। फिर मिस्टर गिल्स के पास जाकर उनके हाथों को अपने सर पर, अपने हाथों को उनके सर पर रखता है। इसके बाद एलिजा उसे बाथटब में बैठा देती है पर उसे उस क्रिएचर के प्रति फीलिंग्स जाग जाती है और वो उससे प्यार करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर रिचर्ड को देखते हैं जिसके पास जनरल पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि अगर 36 घंटे में तुमने उसे नहीं ढूंढा तो तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। अगले दिन जब मिस्टर गिल्स सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जख्म भी ठीक हो गए हैं और सिर पे बाल भी आ गए हैं। वो एलिजा से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये गॉड है या नहीं, पर ये स्पेशल हैं। फिर रिचर्ड को देखते हैं जिसको डॉक्टर रोबोट पे शक होता है और वो उसके घर के पास जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर रोबोट अपने घर से बाहर जाते हैं और वो दो आदमियों से मिलते हैं और वो उससे रशियन में बात करते हैं लेकिन वो दोनों आदमी रोबोट पर गोलियां चला देते हैं कि तभी वहाँ पे कर्नल रिचर्ड आ जाते हैं और वो उन दोनों को मार देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रोबोट को गोलियां लगी है और अब कर्नल रिचर्ड जान जाता है कि
जाती है रशियन जासूस से और वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है और वो उससे पूछता है कि वो क्रिएचर को गायब करने वाले कौन है, उनके नाम बताओ। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट कुछ नहीं बताता, तो कर्नल रिचर्ड उसे करंट वाले डंडे से टॉर्चर करता है, तो वो सिर्फ इतना बताता है कि वो सफाई कर्मचारी है। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कर्नल रिचर्ड को पता चल जाता है कि और कोई नहीं, जेल्डा और इलीजा ने ही उस क्रिएचर को गायब किया है। तो वो जेल्डा के पास पहुंचता है और क्रिएचर के बारे में पूछता है, पर जेल्डा उसे कुछ नहीं बताती, तो वो उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है। तो जेल्डा का पति डर से बोल देता है कि इलीजा ने ही उस क्रिएचर को गायब किया है। तो कर्नल उसके घर पहुंच जाता है, पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन वो नोटबुक में लिखा हुआ देख लेता है कि वो उसे नदी में डालने वाली है। तो वो वहां पहुंच जाता है और गिल्स पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और वो उस क्रिएचर और इलीजा दोनों को गन से शूट कर देता है। तभी गिल्स रिचर्ड पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और इलीजा के पास पहुंच जाता है। फिर से वो क्रिएचर उठ खड़ा होता है और अपने जख्म को ठीक कर लेता है। उसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचता है, तो उसे देखकर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम सच में भगवान हो, और वो क्रिएचर उस पे अटैक करके उसका गला काट देता है, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इलीजा को लेकर पानी में कूद जाता है और इलीजा को किस करता है और उसके गले में बने निशान को टच करता है, जिससे वो निशान मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाता है। उसके बाद इलीजा होश में आ जाती है। इसके बाद हमें गिल्स बताता है कि उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताई। इसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड जीत रखा है। इसको IMDb पे 10 में से 7.3 रेटिंग मिली हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर ऐसे ही रोमांचक मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय।